क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाना कोतवाली क्षेत्र के युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी पैर भी पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली में दी गई है। थाना क्षेत्र के ग्राम जंत्री की रहने वाली यही वह पीड़ित महिला है जो सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई है। इसने थाना कोतवाली पर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि यह महिला वर्तमान में थाना कोतवाली क्षेत्र में निवास करती है। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 29 नवंबर की दिन उसका पति बाहर चला गया था, तभी 2 दिसंबर की देर शाम उसके पति के रिश्ते के बहनोई लगने वाले रंजीत यादव का नीलेश यादव घर आए तो उसने रिश्तेदारी के नाते सम्मान और सत्कार किया। वहीं देर रात तमंचे की नोक पर दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने दोनों पर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र में यह भी बताया कि दुष्कर्म करने के बाद दोनों ने घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी है और कहा कि अगर घटना की जानकारी किसी को लगी या पुलिस ने शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? करिश्मा। ये कोतवाली आप आई हो थाना कोतवाली? किस मामले में लेके आई हो? 376। किसने किया आपके साथ ये घटना? मेरे नंदोई ने। उनका क्या नाम है? रंजीत यादव ऋषि यादव, वो नीतेश यादव पति का नाम ऋषि। अच्छा, कितने समय घटना है ये? 2 तारीख की रात के 12 बजे। किस काम पर आए थे आपके पास? पता नहीं किस काम, किसी काम से आए थे साथ। अपने थाने में कोई कंप्लेंट की है? हाँ जी। तो थाना इंचार्ज ने क्या आपसे कहा? थाना इंचार्ज ने ये कह दिया जांच होगी, मुझे जांच नहीं चाहिए। तुम्हें फिर क्या करवाना है? मेडिकल कराना तुम्हें? मुझे अपना मेडिकल करवाना है, मुझे जांच नहीं करानी।